नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारत और पाकिस्तान के संघर्षों के बारे में जानेंगे, यानी हम ये समझने की कोशिश करेंगे और उन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किन मुद्दों पर संघर्ष होता है, वो किन मुद्दों पर आपस में लड़ते भिड़ते हैं। इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी, अदरवाइज आपके लिए वीडियो उतनी यूजफुल नहीं हो सकेगी। अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक आता है कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष है। दरअसल क्या हुआ, विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दों पर आपस में लड़ पड़े। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो कश्मीर का जो हिस्सा है उसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ पड़े कि ये हिस्सा किसका है। दोनों ही देशों का ये दावा है कि ये है उनके देश का अंग है, और दोनों ही देश ये दावा करते हैं कि ये उनके देश का अंग है। यानी भारत ये कहता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। 1947 और 1948 में युद्ध हुआ, 1965 में भी युद्ध हुआ, 1971 में भी युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद भी ये मसला सुलझा नहीं। मुद्दा इन सारे इस ड्यूरेशन में युद्ध हुए, लेकिन युद्ध होने का जो मकसद था, या कह लीजिए कि युद्ध होने के बाद भी जो ये मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हो पाया, वो एज इट इज बना हुआ है। 1947 के युद्ध में ये विभाजित एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहला और दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दरअसल क्या हुआ कि जब हमारा 1947 और 1948 के अंदर युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, देन क्या हुआ, जो कश्मीर पूरा था उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, उसी को हम कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी हम इसको एक पीओके के नाम से भी जानते हैं। पीओके नाम बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसी को कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यानी कश्मीर का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है उस हिस्से को हम पीओके कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर बना, और जो रेस्ट पार्ट बच गया उस हिस्से को जम्मू कश्मीर बनाया गया। तो इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष है। इस मुद्दे के और अच्छे से स्टडी हम लोग सेकंड बुक के अंदर करेंगे, कश्मीर वाले मुद्दे को। अभी के लिए इतना आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, इतना काफी है। अगला मुद्दा आता है सियाचिन विवाद। दरअसल सियाचिन विवाद है क्या, समुद्र तल से 16 से 18 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा है। दरअसल क्या है कि जो सियाचिन है वो समुद्र जो तल है उससे 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर, यानी बहुत ऊंची ऊंचाई पर है। दूसरी चीज, ये जो हिस्सा है सियाचिन, जिस इलाके की बात करें, मान लीजिए सियाचिन है का इलाका है, सियाचिन की जो बॉर्डर्स है वो टच करती हैं पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का रखा है उससे टच करती है। दूसरी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी जो चाइना का जो बॉर्डर्स है उससे टच करती है। तो इसी वजह से जो स्थिति है, जो सियाचिन के विवाद हो, बहुत ही एक स्पेसिफिक और बहुत ही मेन जगह हो जाता है, क्योंकि इससे इस जगह से हम पाकिस्तान पे भी निगरानी कर सकते हैं, हम चाइना पे भी निगरानी कर सकते हैं, और दोनों देश पर नजर रखने के लिए हिस्सा ये बहुत क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और ये जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों पर नजर रखने के लिए। 1972 के शिमला समझौते में इस इलाकों को इंसानों के रहने लायक नहीं माना गया। 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस शिमला समझौते के अंदर कहा गया कि जो सियाचिन का जो इलाका है यहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है, आप सोच सकते हो -52 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस क्या कहते हैं ठंड है, इतनी जमाने वाली ठंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फिर इस शिमला समझौता में ये हुआ कि जो सियाचिन है ये हिस्सा यहाँ पे ठंड होता है, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, उपजाऊ जमीन भी नहीं, खेती होती, मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता इस इलाके को, तो कहा कि भाई ये रहने लायक इलाका नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान ने इस हिस्से पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है इस सियाचिन का जो हिस्सा उस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया कि ये भारत का, सॉरी, ये पाकिस्तान का अंग है, भारत का अंग नहीं है।
2003 में भारत और पाक के बीच एक युद्ध विराम संधि हुई और फाइनली 2003 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, एक युद्ध विराम संधि हुई कि भाई जो जहां पे है वहीं रहे, हम लोग सीज फायर नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग पाकिस्तान से यहाँ गोला बारूद नहीं मारा जाएगा और यहाँ से पाकिस्तान के तरफ गोला बारूद नहीं दागा जाएगा, जिससे फायरिंग और गोलाबारी बंद होगी, जिससे फाइनली गोलाबारी और बंद होगी। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जितना ये लोग वेपन से एक दूसरे को नहीं मारते, उससे ज्यादा यहाँ पे जो लोग जिनको रखा जाता है, जो सोल्जर्स हमारे यहाँ पे निगरानी करते हैं, वो लोग ठंड की वजह से या और भी रीजंस की वजह से यहाँ पर मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इतना ज्यादा कम होता है कि अगर आप अंडा रखो या फिर कह लीजिए आप केला हो या आलू हो, ये सारी चीज ना पूरी पत्थर की तरह जम जाती है। तो इनको उबाल के क्या कहते हैं, उबाल के इनको खाया जाता है। पहले आलू को उबालेंगे ताकि वो नॉर्मल हो, फिर उसको अच्छे से उबाल के देन खाना पीना वो लोग करते हैं। इवन यहाँ पे जो इनकी गन्स है उसको भी हीट किया जाता है, क्योंकि ठंड में बहुत रखने की वजह से इनकी गन्स जो है वो काम नहीं करती, तो इनकी गन्स को भी हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो आप ये कुछ थोड़ा फैक्ट मैं आपको बता दिया। हालांकि आप लोग का एक काम है, वो करिए कि जितने भी टॉपिक्स में बताया, जैसे कि मैंने कश्मीर का हिस्सा बताया, सियाचिन विवाद बताया, तो इसको ना आप लोग मैप में जाके चेक करिए, गूगल पे जाके डालिए कि सियाचिन इशू, और इमेजेस में जाकर मैप चेक करिए कि कहाँ एक्चुअली जो सियाचिन है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों का वर्क है। अगर हम आगे देखें तो सिंधु नदी विवाद, नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल क्या हुआ, 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए कि पानी कौन कितना यूज करेगा, किसका कितना हक है। और 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए, परंतु आज भी इसका हल्का फुल्का विवाद जान पड़ता है। 1960 के अंदर क्या हुआ, जो सिंधु नदी जो विवाद है, इसमें विश्व बैंक की मदद से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक संधि की गई कि कौन कितना पानी यूज करेगा, और ये संधि आज तक चल रही। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन आज तक ये संधि बरकरार है, इस पे उतना ज्यादा रोक नहीं लगी है, कह दी ये संधि टूटी नहीं है। तो लेकिन आज भी हमें हल्का फुल्का विवाद जान पड़ता है, लेकिन ये विवाद था जो कि अब बहुत ही कम हो चुका है। अगला आता है सरकरी की सीमा रेखा। ये आप लोग जरूर देखिएगा कि सरकरी की सीमा रेखा लगती कहाँ है, एक्चुअल में आपको तब समझ में आएगा। दरअसल ये कच्छ के रण में सरकरी की सीमा रेखा है, जो कच्छ का इलाका है हमारा, कच्छ के रण के अंदर हमें सीमा रेखा ये सरकरी की देखने को मिलती है। गूगल पे चेक करिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इमेज देखोगे तो एकदम से आ जाएगा। दोनों देशों के बीच मतभेद, और इसी जो इलाका है इस इलाकों के लेकर भाई मतभेद है कि कौन सा हिस्सा किसका है, क्योंकि सरकरी इलाके से सटे समुद्री संसाधन का बंट, क्योंकि जो सरकरी का जो इलाका है, जिस इलाकों को कह रहे हैं, उसके पास नियर बाय क्या है, समुद्र है। अब समुद्र से किसको क्या लेना देना, दरअसल समुद्री संसाधन का भंडार, दरअसल जो समुद्र है उसमें बहुत ही मिनरल्स है, वहां पे संसाधन बहुत ही ज्यादा है, और दोनों ही देशों की नजर है, पाकिस्तान की भी नजर है कि भारत की भी नजर है कि किसी न किसी के हाथ में आ जाए। दोनों ही देशों इन संसाधनों की चाह है, और दोनों ही देश ये चाहते हैं कि ये संसाधन उन्हें मिल जाए, भारत चाहता है हमें मिल जाए, पाकिस्तान चाहता है उन्हें मिल जाए, इसी संसाधन को लेकर फिर विवाद हो जाता है। संसाधन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है देश को प्रोग्रेस करने के लिए। अगर हम आगे देखें तो हमें पता चलता है कि भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति ज्यादा देखी। दरअसल भारत सरकार ये आरोप लगाती है कि जो पाकिस्तान है वो लुके छुपे ढंग से भारत के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जिससे हिंसा फैलती है। आरोप है कि वो कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। भारत का आरोप है कि वो कश्मीर के अंदर जो कश्मीर को अलग करने की मांग करते हैं, कश्मीर में जो शांति नहीं रखना चाहते, उनको क्या कहता है, पाकिस्तान संरक्षण देता है, उनको हथियार सप्लाई करता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनको पैसे भी देता है, तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही साथ वो जो कश्मीर के अंदर उग्रवादी है उनको वो हेल्प करता है, कहीं ना कहीं वो चाहता है पाकिस्तान की इंडिया के अंदर कुछ आतंकवादी गतिविधियां होते रहे जिससे ये मुद्दा गर्म होते रहे और यहाँ भारत की सरकार चैन से ना रह सके और वहां की जनता भी।
दूसरा है, भारत का आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी जिसे ISI कहा जाता है, बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों के पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न रहने का आरोप है। दरअसल क्या है, जो पाकिस्तान की ISI है वो बांग्लादेश और नेपाल के अंदर ISI के गुप्त ठिकाने हैं, और ISI के जो बांग्लादेश और नेपाल के अंदर जो गुप्त ठिकाने हैं उन ठिकानों से क्या करता है, भारत का जो हमारा पूर्वोत्तर का इलाका है, जो हमारा असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, जो ये सब हिस्से हैं, इन हिस्सों पर वो क्या करता है, भारत विरोधी अभियान चलाता है। वो या ISI या उसके जो खुफिया लोग हैं वो चलाते हैं कि भारत आपके लिए साथ कितना कुछ गलत कर रहा है, यानी वहां पे वो दंगे भड़काने का काम करते हैं, वहां के लोगों में भारत के प्रति फूट डालने की कोशिश करते हैं। सो यही कुछ आरोप हैं जो लगाए जाते हैं। हालांकि इन सारे जो मुद्दे हैं इन पे बातचीत का दौर चलता रहता है, और कभी चीजें सुलझ जाती हैं, कभी फिर से उलझ जाती है, चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सेकंड बुक में भी इसके अंदर बताया गया, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में दोनों से मिक्स करके ही आता, तो दोनों का मिक्स करके आंसर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी होगा। और एक आपका होमवर्क था वो ये है कि जितने भी मैंने आपको विवाद विवाद बताए, जैसे सर्किक हो गया, फिर कश्मीर का हो गया, इन सारे को ना आप लोग एक बार जरूर जाकर गूगल पे चेक करिए। जब आप गूगल पे चेक कर रहे होगे तो उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो भी कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आपकी ID तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। साथ ही साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।